एलियन से पहले भारत का तेजस भी अपनी क्षमताओं से दुनिया को मुरीद बना चुका है। अभी हाल ही में मलेशिया ने मेड इन इंडिया तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। भारत और मलेशिया के बीच जल्द ही इस रक्षा सौदे पर मुहर लग सकती है। बड़ी बात यह है कि तेजस ने ये बाजी रूस, चीन और दक्षिण कोरिया के फाइटर प्लेन्स को पछाड़कर हासिल की है। रक्षा सौदे की इस रेस में तेजस के मुकाबले रूस का MiG-35 और Yak-130 युद्धक विमान शामिल थे। चीन का JF-17 भी रेस में था, दक्षिण कोरिया के FA-50 भी रेस में बना हुआ था, लेकिन इन तीनों के फाइटर जेट को पछाड़कर भारत के तेजस ने बाजी मारी। तीनों देशों के फाइटर प्लेन से मिली कड़ी चुनौतियों के बावजूद तेजस मलेशिया की पहली पसंद बना। तेजस का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है, जिसका दावा है कि भले ही चीन का JF-17 फाइटर तेजस के मुकाबले सस्ता है, लेकिन इसकी खूबियों के आगे वो कहीं नहीं टिकता। तेजस के बारे में ये कहा जाता है कि ये कोरिया और चीन के फाइटर जेट से कई गुना बेहतर, तेज, घातक और अत्याधुनिक है। जानकार भी मानते हैं कि इसकी यही खूबी रक्षा सौदे के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण बनाती है। भारत पहले ही स्वदेशी फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन्स को सेना में एक्टिवेट कर चुका है। अगले एक साल में 4 और स्क्वाड्रन सेना को सौंप दिए जाएंगे। आइए आपको बताते हैं तेजस की वो ताकत जिसकी वजह से ये युद्धक विमान MiG-21 की जगह लेने वाला है, जिन्हें हमारी सेना अब तक इस्तेमाल करते आई और जिस वजह से तेजस मलेशिया की पहली पसंद बना है। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। तेजस 2,222 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरने में सक्षम है और 3,000 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में उड़ान भर सकता है। सभी हथियारों के साथ इसका वजन 13,500 किलो है। ये 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। डर्बी, पाइथन 5, R-73, असराम और मेटियोर। अब तेजस को और भी ज्यादा घातक और खतरनाक बनाने की मुहिम जारी है, यानी तेजस का एडवांस वर्जन तेजस Mk-2 जल्द ही वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। Mk-2 फाइटर मौजूदा Mk-1 की तुलना में न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि इसमें लगे अटैकिंग सिस्टम भी बेहद एडवांस है। एयरक्राफ्ट का नया वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। इसमें मिराज 2000 की तरह लेजर गाइडेड बम भी फिट होंगे। इससे नया तेजस दुश्मन पर हवा से लेकर जमीन तक हमला कर सकेगा। तेजस Mk-1 की तुलना में तेजस Mk-2 तकनीक और मारक क्षमता के लिहाज से कई बेहतर साबित होता है। तेजस Mk-1 की फ्लाइंग रेंज 1,850 किलोमीटर है, जबकि तेजस Mk-2 एक बार में 2,500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। बात अगर पेलोड क्षमता की करें तो तेजस Mk-1 का पेलोड 5,300 किलोग्राम है, जबकि तेजस Mk-2 में पेलोड क्षमता को बढ़ाकर 6,500 किलोग्राम कर दिया गया है। तेजस Mk-1 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में है, जबकि Mk-2 को मीडियम वेट फाइटर की श्रेणी में रखा गया है। नए मॉडल में विमान के विंग्स के आगे दोनों ओर कनाट दिए गए हैं, जिससे विमान दुश्मन के फायरिंग अटैक से भी बच सकेगा। ये खासियत तेजस के मौजूदा वर्जन यानी Mk-1 में नहीं है। इसके अलावा तेजस 2 में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगाया गया है, यानी इस पर पीछे से कोई मिसाइल अटैक होगा तो विमान बैक साइड में इतना घना धुआं छोड़ देगा कि दुश्मन की मिसाइल कंफ्यूज हो जाएगी और उसका निशाना चूक जाएगा। खैर, तेजस Mk-2 की ये सारी खूबियां उसे दुश्मनों पर और ज्यादा आक्रामक बना देगी, यानी भारत के इस आसमानी योद्धा की ताकत में और इजाफा होने के बाद ये भारतीय वायुसेना के तरकस की वो तीर बन जाएगा, जिसका खौफ दुश्मन और उसके इरादों को अपनी हद में रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।